हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे सामने खड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट VXI मॉडल, एक फैमिली कार है। तो सामने हमें मिल जाता है सुजुकी का क्रोम में लोगो, ये क्रोम की एक पट्टी, हनीकॉम ग्रिल मिल जाती है, और ये सामने चमचमाता हुआ बोनट, बहुत ही शानदार। रेड कलर की मैंने डिमांड करी थी कि मुझे रेड कलर में वीडियो बनानी है, ये हमें हेडलाइट्स मिल जाती हैं, इंडिकेटर और प्रोजेक्टर लैंप्स ये हमें मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स के फ्लैप, यहाँ फॉग लैंप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। टॉप मॉडल में आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे, इसमें आप आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स लगवा सकते हैं, ज़्यादा खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। आप 1000-1200 रुपये में आप बाहर से फॉग लैंप्स लगवा सकते हैं। तो बात करते हैं टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ हमें इसमें मिल जाता है 165/80R और 14 इंच, तो ये प्लेट 14 इंचेस की है, और काफ़ी अच्छा इसमें गैप है टायर्स और बॉडी के बीच में, तो मतलब आपको समझ ही गए हैं, सस्पेंशन इसके अच्छे खासे हैं। और एक फैमिली कार है, काफ़ी बार ये कार ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुकी है, ज़्यादातर फैमिली की पसंद में रही है ये कार हमेशा। एक बजट फ्रेंडली कार है, बजट में ये कार स्टार्ट हो जाती है, तो आप इसे 6.5 लाख से भी ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। ये हमें साइड मिरर मिल जाता है, और ये शीशे के चारों तरफ, मिरर के चारों तरफ हमें ब्लैक कलर की ये गार्निश मिल जाती है, और आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की गार्निश रेड कलर के साथ कितनी ज़्यादा सूट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब बात करते हैं रियर व्यू की, तो एक रियर व्यू इसका काफ़ी सुंदर है, ये देखिए सुजुकी का हमें लोगो मिल जाता है, स्विफ्ट की बैजिंग मिल जाती है, पीछे बम्पर पर हमें रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, तो एक काफ़ी सुंदर लुक मिल जाती है। इस पीछे स्पॉयलर्स मिल जाते हैं, ये ब्लैक कलर में एंटीना मिल जाता है, तो रेड के साथ में जो ये ब्लैक का इस्तेमाल करा है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये इसकी बैक लाइट्स, इंडिकेटर, और ये 3 शेड्स में इसकी बैक लाइट दी है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। फ्यूल टैंक इसका लेफ्ट में है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना रखी है ये गाड़ी, तो हमेशा से आपको पता ही है लुक में नंबर 1 रही है छोटी गाड़ियों में, और ये अच्छा खासा इसका बूट स्पेस मिल जाता है, आप इसमें आराम से 2-3 सूटकेस तो आराम से रख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाती है आपको। फ़ीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें फ़ीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, चलिए अंदर की बात करते हैं। तो ऐसा हमें मिल जाता है डोर, ब्लैक कलर में हमें इसका डोर मिल जाता है, एक ये हल्का सा सॉफ्ट टच मिल जाता है, ये इसके कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स, और बोतल होल्डर मिल जाता है। तो बात करते हैं अंदर से, तो ये मिल जाता है हमें इसका हैंडल सुजुकी के लोगों के साथ, साइड में हमें क्रूज़ मिल जाता है, क्रूज़ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एयरबैग्स, ब्लूटूथ सब हमें हैंडल पर ही मिल जाता है, तो ये स्पीडोमीटर, तो काफ़ी अच्छी लुक लगती है इसकी। अंदर से पूरा ब्लैक में इसका इंटीरियर है, ये देखिए ये AC वेंट्स, एक बड़ी सी स्क्रीन दे रखी है, तो इस तरीके से ये हमें पूरा डैशबोर्ड, ये हमारी डैशबोर्ड लुक, बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाते हैं, ये गियर लीवर हमारे लेदर रैपिंग के साथ, और सीट्स का फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा इसका कंफर्टेबल है, कवर लगाने के बाद में थोड़ा सा आपको पता है अनकंफर्टेबल हो जाती है गाड़ी, लेकिन इस वाले कवर में काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। ये ऊपर फ्लैप्स, अनफ्लैप्स विद मिरर, काफ़ी कंफर्टेबल है आगे से, हमेशा से स्विफ्ट एक छोटी गाड़ियों में काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी रही है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बिकती भी है। तो ये इस तरीके से हमें इसका सारा इंटीरियर दिख जाता है, ये पूरा ब्लैक में आपको इंटीरियर मिलता है, छत इसकी आपको पता है ये थोड़ी ग्रेश इसका रैपिंग है। अब बात करते हैं पीछे से, पीछे वाली सीट पर हम इसकी बात करते हैं, तो वही अब हमें ब्लैक में इसका डोर मिल जाता है, क्रोम में इसका ओपन हैंडल मिल जाता है, बोतल होल्डर मिल जाता है,
और ये पूरा ब्लैक में इसका हमें सीट्स मिल जाती हैं। इंटीरियर इसका पूरा हमें ब्लैक में मिल जाएगा विद ये ग्रेइश रैपिंग, जो ये पूरा कपड़ा लगा हुआ है ग्रे कलर का है। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो स्विफ्ट की, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।